स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। छत्तीसगढ़ लोक सुराज के तृतीय चरण सफल व ग्राम पंचायत पर स्कूल में तमाम विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के बीच तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता की समस्याओं का समाधान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण कृषकों को तहसीलदार जी पी टिहरिया की अगुवाई में 24,609 किसानों को 11,64,00,000 मुआवजा राशि बांटा गया, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी का आनंद झलक उठा। छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे जिले और गांव में लोक सुराज समाधान शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें सारगढ़ में 13 जगहों में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। जनता की समस्या और सुझाव को लेकर क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी बी आर ठाकुर साथ ही साथ जनपद के CEO ऋषिकेश तिवारी सारगढ़, तहसीलदार जी पी टहरिया ने अहम भूमिका निभाई और लोगों की समस्या को समझे। वहीं अनुविभागीय अधिकारी बी आर ठाकुर ने बताया है कि हमारे सारगढ़ क्षेत्र में 13 जगहों में शिविर आयोजन कर पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है, साथ ही साथ लोगों की मांगों की गहराई से देखने की जल्द से जल्द पूरा करने की बात रखी गई है। लोक सुराज अभियान के तृतीय चरण में जितने भी आज 10 पंचायतों का समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, उसमें मांग में 2,150 और शिकायत के 12 आवेदन प्राप्त हुए, यानी कुल 2,162 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसका मौके पर ही निराकरण कर दिया गया है। और आज जो है शिविर खत्म हुआ है, पहुंच रहे हैं। गणना पत्र कहां पे बैठे? माननीय विधायक महोदय के द्वारा कृषि विभाग से 10 स्पेयर पार्ट वितरित किया गया। फोकट में दिए गए कि पैसा लेकर दिया गया? उसमें अनुदान रहता है 50% अनुदान राशि छोड़ कर दिया गया है। शिविर में खाली दिया जाता है कि बाकी समय भी दिया जाता है? बाकी समय भी दिया जाता है, शासन की योजना है, क्योंकि ये जो और प्रचार प्रसार हो शासकीय योजनाओं का, सही जानकारी हो पब्लिक होकर के। शिकायत हुई तो उसमें किसने का निराकरण हुआ सर? शिकायत में सभी का निराकरण हो चुका है 12 के 12। यहाँ की बात अगर दूसरे जगह की बात करें, पहंदा पंचायत की अगर बात करें सर, वहाँ एक शिकायत किया था सर, मीडिया कर्मी वाले ही शिकायत किए थे कि वहाँ जो एक PDF गोदाम बना हुआ है सर, उसमें बीम न देके प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना दिया गया सर, तो उसमें कुछ निराकरण हुआ सर? हाँ, उसका भी निराकरण हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा तो और अच्छे से जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह में हर एक गाँव में सर अवैध ढंग से लाल ईंट की पट्टी हो रही सर, उसमें रोक लगाने के लिए आपके विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई की गई सर? अभी तो कार्रवाई नहीं की गई है और अपने भी शिकायत प्राप्त हुआ है मौके पर, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर किस ढंग से कार्रवाई होगी सर? जैसे है उसमें बता रहे हैं कि लाल ईंट का है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और निर्देश के अनुसार लाल ईंट नहीं बनाया जाना है। जो भी माइनिंग एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और सर अगर बात करें बिजली विभाग की, तो 2,000 का रसीद दिया जा रहा है सर, साथ ही साथ 5,000 वसूला जा रहा है सर। अब इसकी शिकायत तो हमारे पास नहीं आई है, अगर आई है तो फिर विभाग विजुअल भी है सर, उसको हम आपके साथ प्रेषित कर सकते हैं। उसमें अगर उस टाइप की स्थिति है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जाँच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी अगर सही में शिकायत पाया जाए। अभी जनता बहुत चिल्ला रही है सर, किस मामले को चिल्ला रही है? अभी क्या है, वर्तमान शासन के निर्देश अनुसार जिसका स्मार्ट कार्ड नहीं बना है या नवीनीकरण किया जाना है, और शासन ने अभी 30,000 से 50,000 आर्थिक सहायता उसमें रखी है, तो सभी पंचायतों में रोस्टर तो बना दिया गया है, खास करके शिविरों में जो आने वाले लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उनके लिए शिविर में व्यवस्था की गई कि आधार कार्ड बनाने का। और आज जो है बड़ी अच्छी खासी संख्या में आम जनता आए हुए थे और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए सभी 10 पंचायतों का एक साथ स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया जा सकता। अब तक बन जाना था सर कि और लेट से बन जाता सर कि स्मार्ट नहीं? अभी तक बन जाना था नहीं, अभी 8-15 दिन ही हमारे पास रोस्टर आया हुआ है उसका, तो अभी सभी पहले तो शिविर में हम प्राथमिकता दे रहे हैं, अब प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा रोस्टर बनाकर उसको शिविर लगा कर के। अगर समाधान की बात करें सर तो कब तक हो जाएगी बाकी जितनी शिकायत है सर? शिकायत का तो हो गया है, समाधान हो गया है, अब तक पहंदा पंचायत नहीं हुआ सर, इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि हम ही लोग शिकायत दिए थे सर। ठीक है ना, मेरे हाथ में लगा नहीं है आप जो बता रहे हैं, संबंधित अगर होगा तो बुला के फिर से अपन पुनः जांच करेंगे। और गांव-गांव में सर वन को पूरा क्षति पहुंचा रहे हैं सर, पेड़ पौधे को काट रहे हैं बिना वन विभाग के परमिशन के, और व्यापार लगाए हुए सर, लकड़ी बेच रहे हैं सर, बड़े बड़े पेड़ को काट रहे हैं सर, और वन विभाग में हम लोग जाते हैं उस चीज़ को पूछते हैं, तो उनका कहना है कि SDM का क्षेत्र है, SDM जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी हम लोग शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, कोई भी आम पब्लिक की अगर लग रहा है वृक्ष काटने से हानि तो होती ही है, और लगता है तो हम भी कार्रवाई करेंगे उसमें वृक्ष काटने। यहीं के समीप गाँव सर परसदन है सर, जो धड़ल्ले से लगभग अभी आप जाएंगे तो कम 20 टन लोग पाएंगे सर लकड़ी।
जिसको मतलब प्रतिबंध उसके बाद भी आज उसके व्यापार से लगे सर पेड़ काट कर कार्रवाई करेंगे उसमें जांच रिपोर्ट लेके अपन की कार्रवाई होगी सर एकाएक नहीं होगी ना अब जांच पड़ताल करना ही पड़ेगा उसके निजी जमीन में कौन काटा क्या है तो ठीक सर अगर खुद के भी पेड़ को अगर काटना है तो परमिशन तो जरूरी है सर हाँ मतलब जलाऊ वाले में तो खैर नहीं है बाकी इमारती किस्म का बड़ी 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 पेड़ है सर बड़ी पेड़ है जिससे हमें शायद शुद्ध हवा भी मिलता है वैसे ही पेड़ों को काट लिया जा रहा है सर जी पर्यावरण संरक्षण के तहत तो नहीं काटना चाहिए और गांव गांव में भाई वन सुरक्षा समिति भी बना हुआ है शासन जो है वृक्षारोपण करा रही है जगह जगह में यही कुछ लोग हैं जो अपने पेड़ समझ के काटे जा रहे हैं सर हमारे किसी के निजी नॉलेज में आना चाहिए ना इसीलिए तो भाई पटवारी है गाँव के सरपंच है तो समिति बना हुआ है उनको भी चाहिए कि भाई नॉलेज में ला रहे हैं सर सब ऐसा नहीं है सब एक्टिव हैं तभी तो भाई आप भी हमारे नॉलेज में ला रहे हैं और आम जनता भी ला रही है अगर वो लोग एक्टिव होते सर तो आप तक तो शिकायत जाके कार्रवाई भी हो जाए होती सर तो अपने स्तर में पहले लोग रोकता हमका प्रयास करते हैं ना उसके बाद ही फिर नहीं रुकता तो हमारी तरफ कार्रवाई की अपेक्षा रख सकते हैं सर आपसे जी ठीक है ना